हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा तीसरा टॉपिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं कल के टॉपिक को आगे, जिसमें हमने कल देखा था मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। मैंने डायग्राम नहीं बनाया है कि आज हम थोड़ी थ्योरी देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश को भौगोलिक आधार पर तीन मुख्य पार्ट में बांटा गया है। उसमें हम पहले देख लेते हैं, सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश, उसके बाद देख सकते हैं नर्मदा सुरंग घाटी, और तीसरा हमारा बघेलखंड का पठार। जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी आपको कम ही समझ में आएगी, लेकिन ग्राफ के ऊपर आप ध्यान देंगे तो सारी चीजें आपको बराबर समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत हम पांच पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं मालवा का पठार, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र घेरता है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे मालवा के पठार के बाद हम देखते हैं मध्य भारत का पठार, उसके बाद हम देख लेंगे रीवा पन्ना का पठार, चौथे नंबर पर हम देख सकते हैं नर्मदा सुरंग घाटी, एक और बचा है हमारा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत पांच क्षेत्र आते हैं। मालवा का पठार जो कि सबसे ज्यादा लगभग 28% क्षेत्र को कवर करता है। मध्य भारत का पठार जो कि लगभग 10 से 11% क्षेत्र को कवर करेगा। रीवा पन्ना का पठार हम देखेंगे जो कि लगभग 10 से 11% क्षेत्र यह भी कवर करेगा। नर्मदा सोन घाटी लगभग 26% क्षेत्र को कवर करेगी। उसके बाद आएगा बुंदेलखंड का पठार जो कि लगभग 7.70 या 7 से 8% क्षेत्र को ये कवर करेगा। नर्मदा सोन घाटी इसका एक अकेला ही पार्ट है। बघेलखंड का पठार अपने आप में एक पार्ट है। तीन पार्ट में बांटा है हमने मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को। पहला मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा नर्मदा सोन घाटी, तीसरा बघेलखंड का पठार। उसके बाद मध्य उच्च प्रदेश को हम पांच पार्ट में देखते हैं। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और बुंदेलखंड का पठार। और मध्य उच्च प्रदेश को हम देखते हैं ये त्रिभुजाकार पठारी क्षेत्र है जो कि अरावली की श्रेणियों, राजस्थान की साइड से देखते हैं अरावली की श्रेणियों और नर्मदा सोन घाटी से घिरा हुआ है। नीचे हम नर्मदा सोन घाटी, ऊपर अरावली की श्रेणियों को देख लेंगे। साइड में वही अब अपना वापस छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र आ जाएगा जिसमें बघेलखंड के क्षेत्र को भी अपन देख सकते हैं। उसके बीच का ये क्षेत्र ही हमारा मध्य उच्च प्रदेश रहेगा। ठीक है, उसके बाद मध्य उच्च प्रदेश देख रहे हैं हम, इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र है मालवा का पठार। तो हम बात करेंगे यहाँ पर मालवा के पठार की। रात भर जाम से जाम टकरा गए। यहाँ पर सिर्फ एक हेडिंग होगी, वो होगी मध्य
उच्च प्रदेश, उसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले मालवा का पठार हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला होगा हमारा मालवा का पठार। इसकी बात हम कर लेते हैं। थोड़ी में अब हम देखते हैं मालवा का पठार। मालवा के पठार की हम बात करें, सारे पर हम पहले मालवा के पठार को ही देखेंगे। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग मध्य प्रदेश का 28% क्षेत्रफल ये कवर करता है। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 28%। और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग में हम देखते हैं बघेलखंड को, पश्चिमी भाग है जो कि राजस्थान और गुजरात से सटा हुआ है, मुख्य रूप से वह क्षेत्र मालवा के पठार में आता है। तो यहाँ एक चीज और हम लिख देते हैं, पश्चिमी भाग। ठीक है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना भी यही है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना मुख्य रूप से अगर हम इसे देखते हैं तो यह दक्कन ड्रेप की चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन ड्रेप की चट्टाने या बेसाल्ट की चट्टाने। दक्कन ड्रेप की चट्टान हम देखते हैं कि ज्वालामुखी उद्भेदन से निकलते जो निकला हुआ लावा है उसके जमने से, उसके ठंडा होने से बना हुआ है। और इसी कारण इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर काली मिट्टी या दरारी मिट्टी भी देख सकते हैं हम, यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ के मुख्य फसल देखेंगे हम, इसमें हम देखते हैं गेहूं, चना, मक्का, दालों में सब ले लेते हैं हम, दालें भी मध्य प्रदेश में हम देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सोयाबीन, जो कि मालवा के पठार में मुख्य रूप से उगाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा मालवा के पठार में हम क्या देखते हैं, मालवा के पठार में वर्षा की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा लगभग, वर्षा की बात करते हैं, बरसात की बात कर रहे हैं हम, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर ठीक है। बरसात की बात करें तो लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर। जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे बरसात की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम मालवा के पठार में आगे क्या बचता है हमारा, नर्मदा सोन घाटी। तो मालवा के पठार के पूर्वी भाग में वही बुंदेलखंड व रीवा पन्ना का पठार स्थित है, जिनको हम आगे मध्य उच्च प्रदेश में पढ़ने वाले हैं, तो उनको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। जिलों की बात कर लेते हैं हम, कितने जिले आते हैं यहाँ पर, तो मंदसौर जिला कुछ क्षेत्र आता है, पूरा मंदसौर जिला नहीं आता है, कुछ क्षेत्र आता है, क्योंकि पूरा मंदसौर जिला इसमें नहीं आएगा। हम देखेंगे मध्य भारत के पठार में भी मंदसौर जिले के गरोठ भानपुरा का क्षेत्र वहां पर पड़ता है, तो मंदसौर जिले का कुछ क्षेत्र हम देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम उज्जैन,
इंदौर, भोपाल, उसके बाद देखेंगे आगे देवास, ठीक है, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास, धार, झाबुआ तक हम जा सकते हैं। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, झाबुआ, आगर मालवा, ऊपर में हम देखते हैं कहीं कहीं हम गुना, अशोकनगर, विदिशा तक जा सकते हैं। ठीक, ये जिले काफी हैं, और भी कुछ जिलों के पार्ट है इसमें, लेकिन मुख्य रूप से इन जिलों को हम देख सकते हैं, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास, धार, झाबुआ, मंदसौर क्षेत्र, उसके बाद आगर मालवा, गुना, अशोकनगर, विदिशा, इन जिलों को हम देख सकते हैं। यहाँ पर नदियों की बात कर लेते हैं हम, एक मिनट, जिलों को देख हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद बारी आती है हमारी नदियों की। चंबल, गांधी सागर वाली, शिप्रा, उज्जैन वाली, उसके बाद काली सिंध, पार्वती, मुख्य मुख्य नदियां तो यही है। उसके बाद यदि बात करें हम लिखना चाहें तो बेतवा, माही, कुछ थोड़ा सा राजस्थान से टच होके निकलेंगे तो समस्या आएगी, उन नदियों को हम छोड़ ही देते हैं। तो ये देख लेते हैं मुख्य नदियां, चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, माही, ठीक है, ये मुख्य नदियां हैं जो कि मालवा के पठार में पड़ती हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन इनको हम मुख्य रूप से देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम जलवायु की बात करें हम, तो इसकी जलवायु को देखते हैं हम, समशीतोष्ण जलवायु है इसकी, समशीतोष्ण, चीनी यात्री फयान ने मध्य प्रदेश की जलवायु को विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, या भारत की तो मान ही लेते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। और कुछ हद तक हम देखते हैं कि वास्तविकता में भी मध्य प्रदेश के मालवा के पठार की जलवायु सबसे अच्छी जलवायु है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें छूट रही है हमारी, पर्यटन के रूप में हम देखेंगे, पर्यटन के रूप में पर्यटन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जगह हमारे पास ज्यादा बची नहीं है। पर्यटन में हम देखते हैं सांची, भीमबेटका, ये दोनों तो पड़ते हैं हमारे रायसेन जिले में। कौन से जिले में पड़ते हैं हमारे, रायसेन जिले में। और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उनको तो देखना पड़ेगा कहाँ पड़ती है हमारी उदयगिरी की गुफाएं। ये पड़ती है हमारे विदिशा जिले में, ठीक है। तो मालवा के पठार के लिए इफेक्ट काफी है, और भी कुछ बातें हैं जो नहीं लिख पाया हूं।
तो उनको मैं आगे धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, हम देखते हैं तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश का लगभग 28% क्षेत्र कवर करता है, जिसको हम देख सकते हैं कि लगभग 88,222 वर्ग किलोमीटर भी इसको हम देख सकते हैं कि इतना क्षेत्र ये मध्य प्रदेश का कवर करता है। और यह क्रिटेशियस युग में बना हुआ क्षेत्र है, जो लगभग 60 से 68 करोड़ वर्ष पहले, 60 से 68 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। 60 से 68 हजार करोड़ नहीं है, 60 से 68 करोड़ ही है, ठीक है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना हमने देखी है, आसपास के क्षेत्रों को मैंने पहले बताया है अगले वीडियो में भी और अभी भी। उसके बाद दक्कन ट्रेप की चट्टानों से मिलकर बना है, जो कि ज्वालामुखियों के उद्भेदन से जो लावा निकलता है, उस लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट की चट्टानें बनती है। बेसाल्ट की चट्टानों के अपरदन से धीरे धीरे टूट के बिखरने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है, उससे लगभग काली मिट्टी बनती है, और वही काली मिट्टी का क्षेत्र अधिकतर मालवा का पठार है। मालवा के पठार में अधिकतर क्षेत्र पर हमको काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। अगला यही है टॉपिक, ठीक। मुख्य फसलों में हम देखते हैं गेहूं, जहाँ काली मिट्टी है वहाँ गेहूं, चना, कपास, मक्का, और यहाँ पर हम कपास को भी उगा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में उगाया जाता है। हमारे नीचे के जो जिले हैं, खंडवा, खरगोन है, नर्मदा, सोन घाटी के नीचे वाले, वहां पर हम मुख्य रूप से कपास की खेती को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्षा की बात करते हैं, तो लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बरसात होती है। उसके बाद जिलों की बात करते हैं, तो मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास, धार, झाबुआ, आगर मालवा, गुना, अशोकनगर, ये सभी जिले आते हैं। इंदौर देखते हैं, इंदौर के आसपास का क्षेत्र हम देखते हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, और औद्योगिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि भारत का डेट्राइट, जिसे पीतमपुर कहते हैं, वो इंदौर के पास ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कुछ नदियों की बात करें, तो चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, माही, बेतवा, ये सारी नदियां मुख्य रूप से मालवा के पठार की ही हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, क्योंकि अधिकतर नदियां यहाँ से निकलती है, उनका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश से है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। और कौन कौन सी नदियां हैं वो भी हम आगे सभी पार्ट में देखेंगे, जो बचेगी वो स्पेशल टॉपिक हम देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियों का। वहां पर हम ग्राफ के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से नदियों को देखेंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि एमपी में कौन सी नदी किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, कौन कौन से जिले उस पर पड़ते हैं। उसके बाद जलवायु की हमने बात कर ली, समशीतोष्ण, वर्षा की बात कर ली हमने 50 से 75 सेंटीमीटर तक, बाकी तो क्या बचा है, सब कुछ हो गया है। मालवा विश्व की जलवायु, ठीक है, दृष्टिकोण ये वो देवदार, ये तो कुछ नहीं बचा है ना हमने, ठीक है सर। मालवा का पठार को गेहूं की ढलिया का पठार कहा जाता है, वही बात है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो मुख्य मुख्य रूप से मालवा के पठार में ये चीजें हैं, बाकी और चीजें हैं जो धीरे धीरे हम सभी पार्ट के साथ में देखते जाएंगे। उसके बाद